This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर की याद व्हाइट हाउस तक भी जा पहुंची है। जी हां, 40 सिटीज में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सभी खबरें डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस। जॉर्ज फ्लॉयड की कस्टडी में मौत के बाद पिछले 6 डेज से अमेरिका में लगातार प्रोटेस्ट। 25 सिटीज के साथ 16 स्टेट्स में कर्फ्यू। हालात को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड आए हर तक। व्हाइट हाउस तक जा पहुंची जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर की याद। 40 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। बंकर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। प्रोटेस्ट हुआ और भी ज्यादा वायलेंट। 1400 से ज्यादा लोगों को किया गया अरेस्ट। 15 स्टेट्स और वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड को किया गया पोस्ट। और वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रोटेस्टर्स को वार्निंग। दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर प्रोटेस्ट। लंदन में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लोगों ने पुलिस की क्रुएल्टी के खिलाफ उठाई आवाज। जर्मन कैपिटल बर्लिन में जॉर्ज फ्लॉयड की याद में दीवार पर बनाई गई बड़ी सी पेंटिंग। बर्लिन में हजारों लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी के बाहर निकाला मार्च। और जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में ह्यूस्टन में भी प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्टर्स के अलग अलग ग्रुप ने गले लगकर अलग तरीके से किया प्रोटेस्ट। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। पिछले 6 डेज से अमेरिका में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कुछ स्टेट्स में पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिला तो कहीं कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। और अगर बात की जाए ह्यूस्टन की, तो ह्यूस्टन में भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन यहां पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ह्यूस्टन में भी जमकर प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन एक अलग ही तस्वीर यहां पर देखने को मिली। दरअसल जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में मार्च करने वाले प्रोटेस्टर्स के दो ग्रुप का डाउनटाउन स्ट्रीट में आमना सामना हो गया। अचानक मुलाकात होते ही डेमोन्स्ट्रेटर एक दूसरे से गले मिले और सॉलिडेरिटी को पेश किया। आपको बता दें कि मिनियापोलिस में पुलिस ब्रुटैलिटी का निशाना बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड का ताल्लुक ह्यूस्टन के 3rd वार्ड से था, इसलिए ह्यूस्टन में जगह जगह जॉर्ज फ्लॉयड की याद में रैली निकाली गई और प्रोटेस्ट किया गया। वहीं ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट चीफ आर्ट एसवेडो और मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि ह्यूस्टन में पीसफुल प्रोटेस्ट देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि उन दोनों की संवेदनाएं जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के साथ हैं। और चलिए अब आपको वो इंसिडेंट बताते हैं जिसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले। दरअसल लोगों की नाराजगी मिनियापोलिस से आई एक वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद देखने को मिली, जिसमें एक पुलिस ऑफिशियल अफ्रीकन अमेरिकन शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना टेक कर दबाते दिखता है। इसके कुछ ही मिनटों बाद 46 इयर्स ओल्ड जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड के साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि आसपास खड़े लोग पुलिस ऑफिशियल से जॉर्ज फ्लॉयड को छोड़ने की मिन्नतें भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर के घुटने के नीचे दबे जॉर्ज फ्लॉयड बार बार कह रहे हैं, प्लीज आई कैंट ब्रीथ, और यही वर्ड जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द बन गए। हालांकि जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखने वाले पुलिस ऑफिसर डेरेक शर्विन को अरेस्ट कर लिया गया है और मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं ह्यूस्टन में हालात काबू से बाहर होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन से ही थे। जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में लोग बाहर निकल आए, प्रोटेस्ट किया। ह्यूस्टन के अलग अलग एरियाज में लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए आवाज बुलंद की। कुछ इस तरह लोगों ने डाउनटाउन टोयोटा सेंटर में प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद पुलिस फोर्स को वहां पर लगा दिया गया। टोयोटा सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बाद में अरेस्ट भी किया गया। हालांकि किसी भी तरह की इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है। Hours marching with folks from the 3rd Ward, from Emancipation Park, and you know, just so proud of this community. The very vast majority of are honoring a life and demanding justice and demanding action, and doing it in a way that sets an example for the nation, and we should all be thankful. यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर सिविल अनरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में भी सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकल आए और जमकर प्रोटेस्ट किया।
लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए व्हाइट हाउस तक जा पहुंचे, जहां लोगों को डिस्पर्स करने के लिए टियर गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। जी हां, हालात इतने बिगड़ गए कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू तक इम्पोज करना पड़ा। पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद व्हाइट हाउस के बाहर संडे रात को प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। इसको देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सिचुएशन को देखते हुए संडे 11 पीएम से मंडे मॉर्निंग 6 एएम तक ये कर्फ्यू लगा रहा। कर्फ्यू इम्पोज होते ही डीसी में नेशनल गार्ड्स को भी एक्टिव कर दिया गया। कर्फ्यू से पहले व्हाइट हाउस के बाहर सिचुएशन काफी खराब नजर आई। लोग बड़ी संख्या में व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्टर्स गुस्से में नजर आ रहे थे, स्लोगन्स रेज करते रहे और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। उसके बाद मॉब को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने टियर गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। और वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक घंटे तक बंकर में ही रहे। वहीं बात अगर मिनेसोटा की करें तो मिनेसोटा में थर्सडे दोपहर से सैटरडे दोपहर तक दंगा, चोरी, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 51 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें से 43 लोग मिनियापोलिस के थे। मिनेसोटा से शुरू हुआ प्रोटेस्ट देखते ही देखते पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया। और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी गवर्नमेंट फासीवाद विरोधी समूह एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी गवर्नमेंट फासीवाद विरोधी समूह एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देगी। पूरे देश में हो रहे वॉलिन प्रोटेस्ट के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। वहीं मिनेसोटा के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के चीफ जॉन हैरिंगटन ने संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैटरडे को अरेस्ट किए गए करीब 20% लोग स्टेट के बाहर के थे। ये पहली बार नहीं है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट के जरिए एंटीफा को टेररिस्ट ग्रुप बताया हो। वहीं टेक्सास के सीनेटर ट्रेड क्रूज जैसे दूसरे लीडर्स ने भी इस तरह के बयान पहले भी दिए हैं। वैसे ये भी अभी साफ नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मल प्रोसीजर्स के जरिए एंटीफा को टेररिस्ट घोषित कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा करने के लिए कई फेडरल एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यूनाइटेड स्टेट में प्रोटेस्ट और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ये भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे बयान ना दे जिससे वायलेंस को बढ़ावा मिले। वॉशिंगटन डीसी के मेयर मोरियल बर्जर ने तो साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे जिससे यूनाइटेड स्टेट्स में वायलेंस बढ़ जाए। वॉशिंगटन डीसी के मेयर बुरियल बर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि करंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मेन रोल अनरेस्ट को कम करना है, ना कि उसको बढ़ावा देना। और क्या कुछ उन्होंने कहा देखिए। I think especially in the early part of the day, people were largely peaceful. And I think as the evening went on, that changed to a kind of a bent on destruction. I think what the chief also reports to me that many seemed organized and had tools to break windows and tools or a strategy to distribute materials among them. So I would say the thing that we're struck by is that it was an organized group that appeared more bent on destruction than on protest. I also said, Mark, this morning that I think that the president has a role to play nationally in calming the unrest that we see in cities across America. And I think at the least, he has to not incite violence. And that's what we would expect. और वहीं जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर न्यूयॉर्क में भी जमकर प्रोटेस्ट किया गया। जी हां, न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट देखा गया। रैली में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स लगातार लोगों को शांत रहने के लिए कह रहे थे। टाइम्स स्क्वायर के अलावा मैनहट्टन में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसके साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर लोग गुस्से में हैं और देखते ही देखते सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती चली गई। और वहीं लॉस एंजलिस में भी जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने जमकर लूटमार भी की। हालात इतने बिगड़ गए कि एलए में कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। लॉस एंजलिस में भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला।
हालात इतने बिगड़ गए कि एलए में कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। ये कर्फ्यू संडे रात 8 पीएम से मंडे सुबह 5:30 तक रहा। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक कॉर्सेटी ने रात में शहर की शॉपिंग स्ट्रीट में हुई लूटमार और वायलेंट प्रोटेस्ट के इंसिडेंट के बाद कर्फ्यू का ऐलान किया। और वहीं साउथ कैलिफोर्निया के दूसरे स्टेट सैंता एना, कल्वर सिटी और वेस्ट हॉलीवुड में भी लॉस एंजलिस की तरह कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस अब भी ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रही है जो संडे सुबह शहर में लगे कर्फ्यू का वायलेशन करते हुए दुकानों को लूट रहे थे या फिर सड़कों पर थे। और वहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड्स को भी मैदान में उतार दिया गया। आपको बता दें कि कमर्शियल एरिया की सिक्योरिटी के लिए नेशनल गार्ड के 500 मेंबर्स को पुलिस के साथ जोड़ा गया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स को लोकेशन पर डिप्लॉय किया गया ताकि प्रोटेस्ट वायलेंट हो तो उसे काबू में किया जा सके। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत पर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं और वो ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने यह हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। व्हाइट हाउस में जिस तरीके से लोग पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके बाद लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी देखिए आप। Because people need to speak up. If you don't speak up, then everything's just going to be silent. There's going to be no justice. Exactly. There has to be justice for all the people that died with this police brutality. I think it's in remembrance of George Floyd. It's just appropriate. Because if we don't speak up, this is going to continue to happen over and over again. And people are going to get frustrated. We're going to expect a change in legislation. DC needs to work. And also, even the police officer that shot him, they arrested him and they're going to charge him for murder. So I think this is working and it's worth it. There's been too many people that have been getting shot. This is getting bad. It's continuously happening. So we need to protest. Protesting works. This is how racism is getting ended. Martin Luther King protested and people heard him out. We progress now. We had our first black president. So I think protesting works. It gets attention. आपको बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत मिनियापोलिस में ही हुई थी। प्रोटेस्ट की शुरुआत मिनियापोलिस से हुई और देखते ही देखते पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट होने लगे। वहीं आपको बता दें कि मिनियापोलिस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन तभी फ्रीवे पर एक टैंकर ट्रक प्रोटेस्टर्स के बीच जा पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। मिनियापोलिस सहित नेशन वाइड लोग जॉर्ज फ्लॉयड के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मिनियापोलिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसी बीच फ्रीवे पर एक टैंकर ट्रक प्रोटेस्टर्स के बीच जा घुसा। दरअसल ड्राइवर ने इंटरस्टेट 35 पर वेस्ट बाउंड लेन्स पर हॉर्न देते हुए क्राउड में से तेजी से ट्रक गुजारने की कोशिश की। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रोटेस्ट की वजह से फ्रीवे बंद था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर भागने लगे और फिर मौका पाकर ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया और उसको जमकर पीटा। कुछ ही देर में पुलिस लोकेशन पर पहुंची और वहां पर पुलिस को कस्टडी में लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, लंदन में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस की क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें लंदन से हैं जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लंदन में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस की क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की। लंदन में लॉकडाउन मेजर्स के खिलाफ जाते हुए लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। रैली के दौरान प्रोटेस्टर्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर कुछ देर के लिए रुके और यूनाइटेड स्टेट्स में रेशियली चार्ज किलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की। और जर्मनी में भी यही तस्वीर देखने को मिली। जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में भी यूएस एम्बेसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर प्रोटेस्ट किया। आपको बता दें कि वहां के फेमस मॉर पार्क में जॉर्ज फ्लॉयड की एक बड़ी सी तस्वीर बनाकर उनको ट्रिब्यूट भी दिया गया। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के विरोध में सैटरडे को बर्लिन में हजारों लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी के बाहर मार्च निकाला। स्टॉप किलिंग अस, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड नो जस्टिस नो पीस, इस तरह के बैनर्स लोग थामे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ बर्लिन के फेमस मॉर पार्क में जॉर्ज फ्लॉयड की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई गई। इस तस्वीर के जरिए लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड को अपना ट्रिब्यूट दिया और साथ ही लिखा हुआ था, आई कैंट ब्रीद। Wow.
Well, I think they've been silent for too long. I do not condone what is going on in terms of the violence. There should be a peaceful way, and this is what we're doing in Berlin. But it's time to make awareness of what is actually happening, and also to make awareness that the authorities should step in and actually put a stop to this. और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sara Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.